हेलो फ्रेंड, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। कहते हैं गिर 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 के यारो मुझको खूब संभलना आता है और बुझकर जलना आता है, जलकर बुझना आता है। खुद अपने ही किस्मत लिखता हूँ मैं, खुद अपने ही हाथों, और मुझे सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ, तो कूलम ने जो हमने आपको पढ़ाया था 11th में, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की कूलम साहब ने 4-2 स्टेट कर ली है। 11th में आपको हमने पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण बल के दो बिंदु आवेश थे, दो कण थे जिनके द्रव्यमान माने थे प्लस के M1 और प्लस के M2, M1 और M2 जिनके बीच की दूरी मानी थी हमने R। तब बल आया था, जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में हमने इन दोनों नियमों को मिलाया था, दोनों नियमों को मिलाया था, तो ये बल आया था आपका F प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे R2। ठीक इसी प्रकार कूलाम ने क्या किया है, दो बिंदु आवेश लिए हैं उन्होंने। बिंदु का मतलब होता है बहुत छोटे आवेश लिए हैं। यह आवेश Q1 और ये आवेश है आपका Q2, इनके बीच की दूरी है वह है R। ठीक इसी प्रकार करेंगे, एफ जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इसमें हमने दोनों नियमों को मिलाया था, ऐसे ही इसमें इन दोनों नियमों को मिलाएंगे। जब इन दोनों नियमों को मिलाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R2। इससे परिभाषा बनेगी कूलाम के नियम की, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जब हम दोनों आवेश धन के लेंगे तो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पर धन का है और यहाँ ऋण का है तो बल लगेगा आपका आकर्षित, दोनों धन धन के हैं तो बल लगेगा प्रतिकर्षण। तो इसलिए हम दोनों शब्द बोल रहे हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया था उन्होंने। तो जब हम प्रोपोर्शनल का ये चिन्ह हटाते हैं, अब इसे खत्म कर दो, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। भाषा आप लिख लेना अपने आप, दो बिंदु आवेश हैं जिनके आवेश Q1 और Q2 हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों नियमों को मिलाते हैं तो ये आता है एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R। ये एफ Q1 है, Q2 है, ये R बट्टे में है तो R2। परिभाषा यहां से बनाओगे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो
तो ये था आपका कॉन्स्टेंट के, क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, जहां के का जो मान होता है निर्वात अथवा वायु के लिए वह होता है 1/4 pi epsilon naught या epsilon जीरो। ये के का मान जब यहाँ उठा के रखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला आएगा f बराबर 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला कूलम्ब के नियम का। अब जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान होता है 8.85 × 10^-12 मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है और ये इसका मात्रक होता है। बताएंगे अभी ये मात्रक कहाँ से आता है। उसके बाद में जो 1/4 pi epsilon naught है, इस पूरे का मान होता है 1/4 pi epsilon naught का मान होता है 9×10^9 मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। अब हम आपको ये बताएंगे जो एप्सिलॉन जीरो का या एप्सिलॉन नॉट का जो ये मात्रक आया है वो कहां से आया है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर कहां से आया है, समझ लो। चलो इधर ही कर दे रहा हूं, इसी फॉर्म यहां से निकालेंगे सूत्र से। ये सूत्र लिखोगे पहले एफ बराबर 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, साथ के साथ नोट करते जाना। एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे और ये एफ कहाँ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 pi f × q1 q2 r² एप्सिलॉन नॉट बराबर एक विमाहीन राशि है या मात्रकहीन राशि है, गणित का अंक है, इसका कोई ना मात्रक होता है ना इसकी कोई विमा होती है। Q1, Q2 ये आवेश हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलम, पीछे बता चुके हैं आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में आवेश का मात्रक क्या है कूलम। ये भी आवेश है, इसका भी मात्रक क्या होगा कूलम बट्टे 4 pi, इनका कोई मात्रक नहीं होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीका से एप्सिलॉन नॉट का जो आपका मात्रक आएगा वो आएगा कूलम, और कूलम कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है मात्रक। अब हम आपको ये सिद्ध कराएंगे कि ये 8.85 × 10^-12 जो एप्सिलॉन जीरो का ये मान है, ये मान कहां से आया है, इसे देखो एक बार आप नोट कर लो ये, ठीक है। आपको ये पता है कि 1/4 pi epsilon naught का जो मान है वो क्या है 9×10^9, हमें किसका मान चाहिए एप्सिलॉन नॉट का। तो इस एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए और 9×10^9 को इसके स्थान पर ले आइए। 1/4 pi × 9×10^9 = εnaught, इसका मान चाहिए, या इसे कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 pi × 9×10^9। अब देखो दोस्तों पाई का मान क्या है 3.14 इंटू नाइन, ये 10^9 को ये प्लस की घात है, जब ऊपर ले जाएंगे तो किसकी घात आएगी, ये
टेन टू की पावर माइनस के नौ, पॉइंट हटाओगे ऊपर का जीरो, दो जीरो रखोगे, एफ साइलेंट नॉट बराबर सौ इंटू टेन टू की पावर माइनस के नाइन, नौ चौका छत्तीस इंटू तीन सौ चौदह। अगर इसे सॉल्व करोगे आप घर पर जाके कैलकुलेशन कर लेना, एफ साइलेंट नॉट बराबर यही मान आएगा आपका 8.85 इंटू टेन टू की पावर माइनस के 12। मात्रा कितना है इसका, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आप कैलकुलेशन खुद करना, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे ये कि बाय में और माध्यम में यदि दोनों आवेश माध्यम में हो, जो ये फॉर्मूला निकाला था हमने अभी आपका, एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला था वो बाय के लिए था, दोनों आवेश थे वो किस में रखे थे, बाय में। अब हम निकालेंगे जब दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों, माध्यम के लिए फॉर्मूला होता है, माध्यम के लिए एफ बराबर आएगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट के क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है माध्यम के लिए। बल का मात्रक पता ही अच्छी तरीका से न्यूटन होता है, इलेवेंथ में ही बताया था ये तो आपको। तो ये माध्यम के लिए फॉर्मूला है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर। बाय में क्या है, एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर। अगर आपको ये कोई पूछता है कि बल की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, तो ये आपका आवेश थे, आपके दो आवेश थे, ये प्लस का क्यू वन है और ये प्लस का क्यू टू है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है आर। जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा किधर होगी, इधर। ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा किधर होगी, इधर। तो इस तरीका से जो बल की दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। बल की दिशा कैसी है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। इसके बाद में आप डालो, हाँ ये एक बात और समझ लो, इसके बाद में जहाँ के एक नियतांक है जिसे परावर्तांक कहते हैं, जहाँ के एक नियतांक है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। जो के का मान होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात अथवा वायु के लिए अगर शब्द आ रहा है आपका के का मान, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु या हवा के लिए जो के का मान होता है वह कितना होता है, वन। और सभी और धातुओं के लिए जो के का मान होता है वह होता है अनंत। और सभी पदार्थों के लिए के का मान होगा एक से अधिक। ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में यूज होगा इसका। यदि शब्द आ रहा है निर्वात अथवा वायु तो के का मान कितना रखोगे यहां पर, वन। यदि धातुएं हैं तो के का मान कितना रखा जाएगा, अनंत। और सभी पदार्थों के लिए के का मान एक से अधिक आता है। इसके बाद में आप डालोगे नोट पॉइंट, वायु में और माध्यम में जब बल होता है तब परावर्तन का सूत्र क्या होगा, ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। न्यूमेरिकल में आता है जब कभी देगा होगा कि बाय में लगने वाला बल 8 न्यूटन है और माध्यम में लगने वाला बल 4 न्यूटन है, तो परावर्तन का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए ही फॉर्मूला बना रहे हैं आपको। तो नोट पॉइंट में आप लिखोगे, हम जानते हैं कि बाय में लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है,
हम जानते हैं कि वायु में लगने वाला बल, वायु में लगने वाला बल एफ एयर लिख देना समझने के लिए, एफ एयर माने वायु, वायु में बल लगने वाला बल होता है 1/4πε0Q1Q2r2, Q1Q2r2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लोगे। उसके बाद में माध्यम में लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, माध्यम में लगने वाला बल एफ मीडियम कर लोगे माध्यम में, तो माध्यम में लगने वाला बल क्या होता है 1/4πε0Q1Q2r2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप समीकरण एक में दो का भाग दोगे या समीकरण दो में समीकरण एक का भाग दे सकते हो, तो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर, भाग देने पर भाग दो, ऊपर एफ एयर है और नीचे क्या है एफ मीडियम है, तो यहां लिखोगे एफ एयर अपॉन एफ मीडियम बराबर, एफ एयर का मान क्या है, एफ एयर का फॉर्मूला है आपका 1/4πε0Q1Q2r2, पूरे के बट्टे क्या है, एफ मीडियम का मान है 1/4πε0 × K, यहाँ आएगा Q1Q2r2, काट दो इसे, R square कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, F4π0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे K कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला आएगा आपका F air upon F medium बराबर K, F air upon F medium बराबर K। ये एफ एयर क्या है वायु में लगने वाला बल और एफ मीडियम क्या है माध्यम में लगने वाला बल, के क्या है यहाँ पर परावैद्युतांक, तो अगर परावैद्युतांक की अगर यहाँ से परिभाषा बनाओगे तो परिभाषा बनेगी वायु में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, वायु में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। अब यहाँ से ये वाला जो न्यूमेरिकल होगा, जैसे 8 न्यूटन दे रहा है वायु में बल और माध्यम में दे रहा है 4 न्यूटन, तो अब यहाँ से निकाल सकते हो, इस सूत्र से निकाल सकते हो परावैद्युतांक का मान, यहाँ रखोगे 8 और यहाँ रखोगे 4, 4 का इसमें भाग दोगे कितना आएगा परावैद्युतांक का मान 2, इसलिए ये फॉर्मूला केवल न्यूमेरिकल के लिए है, पेपर में नहीं आएगा, ये इससे केवल न्यूमेरिकल होंगे। अब हम आपको कराएंगे तीनों एप्सिलॉन में संबंध, तीन एप्सिलॉनों में संबंध, जैसे एक एप्सिलॉन तो आपको हम पढ़ा चुके हैं एप्सिलॉन जीरो क्या होती है, निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता, तो निर्वात की वैद्युतशीलता ये क्या है आपकी, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता जिसका मान क्या होता है 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक आती है आपकी एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसे, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एक होती है आपकी एप्सिलॉन आर, जिसे बोलते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसे क्या बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। हम इनमें तीनों आप एप्सिलॉनों में संबंध निकालेंगे, तो ये जो फॉर्मूला था माध्यम के लिए ये था आपका 1/4πε0 × K Q1 Q2 r2, ये फॉर्मूला था। हम इसके स्थान पर
यहाँ लिखोगे जहां के बराबर रख सक, यहाँ जहां एप्सिलॉन बराबर रख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो के, एप्सिलॉन जीरो के, तो ये फॉर्मूला आएगा एफ मीडियम बराबर वन अपॉन फोर पाई, इसके स्थान पर क्या है एप्सिलॉन, यहाँ है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये जो बल है ये भी माध्यम में है, क्योंकि एप्सिलॉन अगर हटाओगे तो ये कितना मान रखोगे एप्सिलॉन जीरो के, एप्सिलॉन जीरो के। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बने, यहाँ से क्या बनेगा के बराबर, यहाँ से आएगा आपका के बराबर एप्सिलॉन, इसका इसमें भाग दोगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन क्या है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये है एप्सिलॉन है आपकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन जीरो क्या पढ़ा चुके हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन जीरो है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये है एप्सिलॉन नॉट को या एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहां से भी परावर्तन का सूत्र बन सक, परिभाषा बन सकती है निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तक कहते हैं। इस एफ के को दूसरे शब्दों में हम एप्सिलॉन आर से भी दिखाते हैं, इस के को किसे दिखाते हैं दूसरे शब्दों में एप्सिलॉन आर से, तो इस के स्थान पर एप्सिलॉन आर रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका तीनों एप्सिलॉनों में संबंध, तीनों एप्सिलॉनों में संबंध, जहां एप्सिलॉन क्या है निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन जीरो क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर क्या है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये है तीनों एप्सिलॉनों में संबंध। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी बीमा क्या होती है, एक नंबर पूछ ली जाती है कभी कभार कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए, नोट कर लो तो ये फॉर्मूला, इस पर भी न्यूमेरिकल आएगा, और जो आपको अभी पीछे बताया था हमने एफ एयर, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम बराबर के, इस पर भी फॉर्म वो न्यूमेरिकल आता है, नोट साथ के साथ कर लिया करो। तो बीमा निकालते हैं, या तो बीमा सूत्र से निकालेंगे या फिर निकालेंगे मात्रक से, एप्सिलॉन हेड डालो आप एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, या इसे बोलते हैं हिंदी में निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता की बीमा, की बीमा। इसकी बीमा या तो हम सूत्र से निकालेंगे या फिर मात्रक से निकालेंगे, तो देखो सूत्र से निकाल लेते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से, ये फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या चाहिए हमें, बीमा चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इधर कर लो और इसके स्थान पर क्या आएगा एफ आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर वन अपॉन फोर पाई एफ इंटू क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर वन की ना कोई बीमा होती है ना कोई मात्रक होता है, आवेश, आवेश की बीमा होती है ए टी, आवेश की बीमा क्या है ए टी, ये भी आवेश है, इसकी बीमा क्या होती है ए टी, और ये बीमा कहाँ से आती है ए टी, आपने टेंथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी से, आई, आई की बीमा है ए एम्पियर, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में और बड़े कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। समय की बीमा, ये सारी बीमाएं आपको हम इलेवेंथ में पढ़ा चुके हैं, तो
आवेश समय की विमा है टी और धारा की विमा है ए, अगर ये दोनों मिला दोगे तो क्या आएगी ये ए टी, आवेश की विमा क्या हो जाएगी ए टी। तो यहाँ आवेश की विमा ए टी, इस बार आवेश की विमा ए टी अपॉन गणित का अंक है, इसकी कोई ना विमा होती है ना कोई मात्रक होता है, पाई गणित का अंक है, इसकी ना कोई विमा होती है ना कोई मात्रक होता है, बल बल की विमा बताइए, ए बल की विमा होती है एम एल टी की घात माइनस के टू, एम एल टी की घात माइनस के टू। देखो सर इलेवेंथ में हमने ये फॉर्मूला बताया था एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान द्रव्यमान की मां होती है एम, ये क्या है त्वरण, त्वरण की मां होती है एल टी की घात माइनस के दो, तो ये बल की मां आएगी आपकी एम एल टी की घात माइनस के टू, यहां रखेंगे। दूरी, दूरी की मां क्या है एल स्क्वायर लगा है तो क्या लगाओगे स्क्वायर, बता चुके हैं आपको हम इलेवेंथ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन चाप त्रिज्या तरंग दैर्ध्य आयाम मोटाई व्यास, इन सब की मां क्या होती हैं एल होती हैं। एक बार फिर समझ लो, चाहो तो नोट कर सकते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन चाप त्रिज्या तरंग दैर्ध्य आयाम मोटाई व्यास, सबकी विमा क्या है एल है, तो ये दूरी है क्या रखोगे यहाँ एल, करो इसे सॉल्व, ए और ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, टी और टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, नीचे एम एल की घात दो और एल की घात तीन एक, कितनी हो जाएगी ये तीन, यहाँ कितना है टी की घात माइनस के दो। अब नीचे वाली घात अगर प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे, ये किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, एम पर कितनी घात है एक है तो इसे ऊपर ले जाओगे आप तो ये कितनी हो जाएगी m की पावर माइनस के वन, एल की घात तीन है ऊपर ले जाओ किसकी हो जाएगी माइनस के थ्री, टी की घात माइनस के दो है ऊपर ले जाओ किसकी हो जाएगी प्लस की, और ये पहले से प्लस है टी पे घात दो, दो और दो चार, कितना बचेगा आप ए की घात दो, ये क्या है आपकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ये है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। यहाँ से मात्रक भी बन सकता है, ये क्या है द्रव्यमान, ये क्या है लंबाई की विमा, ये क्या है समय की विमा, ये क्या है एम्पियर वैद्युत धारा की विमा, तो यहाँ से आप चाहो तो मात्रक बना सकते हो, किलोग्राम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकंड की घात चार और एम्पियर की घात दो, एम के एस में मात्रक हो जाएगा ये। अब ये आपकी विमा हो गई, नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लो अच्छी तरीका से जल्दी से। हो गया, अब हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, आराम आराम से पढ़ते रहें, पानी यानी पी लिया करो। कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ते रहो आराम आराम से, अभी समोसे मंगाएंगे। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ कूलाम्स लॉ, लिमिट्स ऑफ कूलाम्स लॉ। तो कूलाम की जो पहली सीमा है वो क्या है, यह जो बल होता है वो यह सार्वत्रिक नियम नहीं है, यानी जो बल होता है जो वैद्युत बल होता है वो सभी जगह लागू नहीं होता है। पहला पॉइंट है यह सार्वत्रिक नियम नहीं है, या यह बल सभी जगह निर्भर नहीं करता है, यह बल सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह ऐसे लिख दो, यह सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह सार्वत्रिक नियम
नहीं है। कूलम का जो नियम होता है वो सभी जगह लागू नहीं होता है। यह जो बल होता है वैद्युत बल, कूलम के नियम को ही वैद्युत बल कहते हैं। यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्योंकि पीछे बता चुके हैं हम, जब बल एयर में था उसके बाद में बल किस में था, माध्यम में था। तो माध्यम में होने पर बल का जो मान होता है वो कैसा होता है, घट जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो बल होता है वो माध्यम पर भी निर्भर करता है, बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। क्योंकि जो माध्यम के का मान था, के जो के का मान रखते हैं वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि जो बल होता है माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा नियम क्या है, यह जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल यदि दो आवेश स्थिर अवस्था में होंगे तभी यह नियम लागू होता है। यह ऐसे लिख दो, कूलम का नियम स्थिर आवेशों के बीच में ही लागू होता है। स्थिर आवेशों पर लागू होता है। या जब आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं तभी यह नियम लागू होता है। लागू होता है। इसके बाद में हम पढ़ाएंगे कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये नोट करने के बाद में नेक्स्ट हैंड डालोगे आप, कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु। कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य। कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य। सम इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ कूलम्स लॉ, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो पहला पॉइंट है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना इन चीजों का, आगे भी यूज होगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समान होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समान होता है, चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों न हो, चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों न हो। इनके बीच की दूरी जैसे आ रहा है आपकी, ये वाला जो आवेश होगा वो किस पर बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा। जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। ये हो जाएगा आपका F21। इसका मतलब ये है कि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, ये जो बल है वो कौन लगा रहा है, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो F12 यह है Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। लेकिन हमने ये पॉइंट बोला था अभी कि दो आवेशों के मध्य, ये दो आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाला बल समान होता है, चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों ना हो। समझ लो, जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल कितना होगा आपका F21। फॉर्मूला क्या है, 1/4 πε0 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम इस Q1 के स्थान पर 2 कूलम ले लें, Q2 के स्थान पर 3 कूलम, बहुत सॉरी यहाँ 3 कूलम है और यहाँ ले लें आपका Q2 के स्थान पर 2 कूलम, तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, तो ये Q1 का काम, ये Q1 है, ये Q2 है, तो बल कितना है आपका F21। यहाँ मान रखो इसमें F21 वेक्टर बराबर, इसका मान क्या होता है 9×10^9। Q1 का मान कितना है 3 है, Q2 का मान कितना है 2 है, बट्टे आर स्क्वायर ऐसा ही रखूँ, सॉल्व करोगे 2×2 = 6, 6×9 = 54 × 10^9 बट्टे आर स्क्वायर। उसके बाद में जब ये F21 वेक्टर का मान आया है, यदि हम F12 वेक्टर का मान निकालें, इसका मान निकालें F12 वेक्टर बराबर, तो इसके कारण इसमें लगने वाला बल फॉर्मूला होगा 1/4π0 Q1, Q1 का काम करेगा Q2 और Q2 का काम करेगा Q1, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर स्क्वायर। इसका मान क्या है 9×10^9 इंटू Q2 का मान क्या है 2, Q1 का मान क्या है 3 बट्टे आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे 2×3 = 6, 6×9 = 54 54×10^9 बट्टे आर स्क्वायर। देखना ये दोनों बल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन आवेश कैसे हैं, दोनों के भिन्न भिन्न हैं। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समान होता है, चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों ना हो, इस पॉइंट से आपको समझ में आएगा। तो ये हम ये मिटा रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पॉइंट लिखोगे ये वाला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समान होता है चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों ना हो, चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों न हो। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि जो आवेश होते हैं, दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब द्रव्यमान पर निर्भर क्यों नहीं करता है, क्योंकि इस बल में द्रव्यमान कहीं है ही नहीं, आवेश है, कौन है आवेश है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई ये पूछता है द्रव्यमान पर निर्भर क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है, ये बल किस पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। अगर आपको ये पूछता कोई पूछता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। 11th बता चुके हैं आपको, सूत्र होता है F=gm1m2/r2। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जो वैद्युत बल होता है वह आवेश पर निर्भर करता है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट है, यदि दो आवेश निर्वात अथवा वाय में हो, ध्यान रखना पीछे बता चुके ये पॉइंट, यदि दो आवेश निर्वात अथवा वाय में हो उन्हें तब उनके बीच लगने वाला बल, और जब तब उनके बीच लगने वाला बल होता है F=1/4π0Q1Q2/r2। और जब दो आवेश माध्यम में रखे हों, किसमें रखे हों, माध्यम में रखे हों, तब उनके बीच लगने वाला बल वायु में लगने वाले बल से कम होता है। माध्यम में लगने वाला बल कितना होता है F medium = 1/4π0Q1Q2/r2। सपोज करो यदि इसका मान आपका 9 न्यूटन हो, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, तो माध्यम है तो के का मान कुछ ना कुछ तो होगा, एक से अधिक ही होगा, तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं 9। के का मान एक से अधिक होगा, 2 हो 3 हो कुछ भी हो सकता है, 2 होगा, तो इसका ऐसे भाग देंगे कितना आएगा 4.5 न्यूटन। तो ये माध्यम होने पर जो बल का मान है वो कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो तीसरा पॉइंट है, दो आवेशों के मध्य यदि दो आवेश निर्वात अथवा वाय में हो तब उनके बीच लगने वाला बल, और माध्यम में होने पर लगने वाला बल वाय में लगने वाले बल से कम होता है, किससे कम होता है, वाय में लगने वाले बल से कम होता है। तो आप तीसरा पॉइंट यहां नोट करोगे,
या तो ऐसे कर सकते हो कि माध्यम होने पर बल का मान घट जाता है, माध्यम होने पर बल का मान घट जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, दो आवेश, यदि दो आवेश, यदि दो आवेश निर्वात अथवा वायु में हो, वायु में हो तो उनके बीच, उनके बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल तथा यदि दो आवेश, यदि दो आवेश माध्यम में हो, माध्यम में हो तब उनके बीच, उनके बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में लगने वाले बल से कम होता है, लगने वाले बल से कम होता है, कम होता है। या लिख सकते हो माध्यम होने पर बल का मान घट जाता है। इतना बड़ा न ध्यान रखे, शॉर्ट में कर सकती हो, माध्यम होने पर, माध्यम होने पर बल का मान, बल का मान घट जाता है, घट जाता है। चौथा पॉइंट समझ लो, ऊपर से कर लेते, ठीक, नोट कर लो। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है आपका, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, कैसे कर दी जाए, आधी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान पहले से चार गुना हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ लो, ये दो आवेश हैं, ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी अभी R है आपकी, कितनी है R, अब इनके बीच R दूरी है तो ये बल लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान लो समीकरण नंबर एक, ये बन F1 बल मान लो, यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, इन आवेशों के बीच की दूरी कैसे कर दी जाए, आधी कर दी जाएगी तो यहाँ आप दूरी हो जाएगी R/2। जब दूरी आधी कर दी जाती है तब बल क्या होगा, F2 मानोगे इसे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन आर स्क्वायर के स्थान पर क्या रखोगे, R/2 यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा R²/2 4, ये चार कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो ये हो जाएगा F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ क्या आएगा ऊपर, ये चार। अब इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, देखना ऊपर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², अब इसके स्थान पर आएगा आपका F1 × 4। तो जब आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो बल का मान कितना गुना हो जाता है, चार गुना हो जाता है, पहले का कितना हो जाता है, पहले का चार गुना हो जाता है। इससे ये पॉइंट क्लियर होगा चौथा। तो यहाँ पर आप ये करना नहीं है, ये तो हमने समझाया है, उसके बाद में जो नोट उसमें आप हिंदी में जो लिखोगे वो ये पॉइंट लिखोगे आप, ये तो समझने के लिए बताया था कि कैसे ये चार गुनी होती है दूरी। यहाँ चौथा पॉइंट में आप लिखोगे, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के, आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान, बल का मान
पहले से चार गुना हो जाएगा, बल का मान पहले से चार गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम ये पूछें कि आवेशों के बीच की दूरी एक तिहाई कर दी जाए तो बल का मान कितना हो जाएगा, तीन का वर्ग 9 गुना हो जाएगा। एक चौथाई कर दी जाए तो चार का वर्ग 16 गुना हो जाएगा। ऐसे पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है जो वैद्युत बल का मान होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, क्योंकि जो वैद्युत बल होता है वो वस्तुओं को क्या करता है, प्रतिकर्षण भी करता है। इसके अंदर दोनों गुण होते हैं वैद्युत बल के अंदर, क्योंकि ये आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो केवल वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वैद्युत बल के अंदर दोनों गुण हैं, प्रतिकर्षण का भी और आकर्षण का भी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अंदर केवल एक ही गुण है, केवल वस्तुओं क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कौन सा बल बड़ा होगा, वैद्युत बल। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होता कितना है, बड़ा होता कितना, ये समझ लो। वैद्युत यहां पॉइंट लिख लो, उसके बाद में क्लियर करते हैं हम। वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है यदि दो प्रोटॉनों के बीच में, यदि दो प्रोटॉनों के बीच में हम पूछते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो कितना अधिक होता है, ये होता है 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। लेकिन ये होता कैसे है, अगर हमने ये बोल दिया कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना अधिक होता है, तो ये तो रखने वाला पॉइंट हो गया, लेकिन होता कैसे है वो समझ लो ध्यान से। बिल्कुल क्लियर जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर करके चलेंगे, ये नहीं है कोई रटने वाला काम हो, यहां पर रटाने वाला कोई काम नहीं है, आराम से बस डेली आप क्लास लो हमारी। समझो यहां से, दो प्रोटॉनों के बीच, ये प्रोटॉन है एक और एक प्रोटॉन ये है। वैद्युत बल में फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r2। ये दूरी है वो आपकी है r, तो ये प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है, दो प्रोटॉनों के बीच, हमने ये पॉइंट बोला था कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना होता है। 10 की घात कितना होता है, 36 गुना होता है। ये प्रोटॉन है तो वैद्युत बल जब निकालेंगे तो इन प्रोटॉनों क्या लेंगे, आवेश लेंगे, क्या लेंगे, आवेश। तो यहाँ आप प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन का आवेश होता है यहाँ Q1 मानेंगे वो होता है प्लस के 1.6 × 10⁻¹⁹ यहाँ दूसरा आवेश लेंगे प्रोटॉन है तो इसका भी आवेश इतना ही रहेगा 1.6 × 10⁻¹⁹ ये दोनों मान यहाँ रखोगे F बराबर इसका मान क्या है 9 × 10⁻¹⁹ ये वैद्युत बल है इलेक्ट्रिक फोर्स इस सफिक्स में कर देंगे। Q1 का मान क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ इसका मान क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ पट्टे आर स्क्वायर ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वैद्युत बल है ऐसे निकालेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल इधर समझ लो, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं, यहाँ m1 है और यहाँ m2 है, लेकिन जो द्रव्यमान लेंगे वो किसके लेंगे, प्रोटॉनों के। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। यहाँ भी लिखेंगे M2 बराबर 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर g m1 m2/r2। F बराबर g क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻¹⁺ m1 का मान क्या है 1.67 × 10⁻²⁷ इसका मान क्या है 1.67 × 10⁻²⁷ कर लेना ये अपॉन आर स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ये एफ जी है ग्रेविटेशन फोर्स है। यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 का जो मान है वो क्या है 9 × 10⁻¹⁹ 1.6 × 1.6 × 19 और 19 38 अपॉन आर स्क्वायर पूरे के बट्टे। एफ जी का मान क्या है 6.67 × 10⁻¹⁹ × 1.6
टेन टू की पावर 27 और 27 कर लो पहले, कितने हो जाएंगे 1.6 और ये 1.67 इंटू 1.67 पास पास रख लो और 27 और 27 माइनस के 54 अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये काट दोगे। अगर ये कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 10^36। कैलकुलेशन करें ना आप घर पे, 10^36 क्रॉस गुणा कर दोगे तो एफ ई बराबर हो जाएगा एफ जी इंटू 10^36। तो जो वैद्युत बल का मान होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना हो जाएगा 10^36 गुना होगा। ये पॉइंट इस तरीके से क्लियर होगा। कैलकुलेशन आप अपने घर पे कर लेना, कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये, ठीक है। केवल ये बताया था ये कैसे होता है इतना गुना। तो इसमें पांचवें पॉइंट में आप लिखोगे वैद्युत बल का मान, वैद्युत बल का मान, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, अधिक होता है। लेकिन कितना अधिक होता है, दो प्रोटॉनों के बीच, इसी में लिख लेना, दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का 10^36 गुना होता है, 10^36 गुना होता है। छठवां पॉइंट है, जो वैद्युत बल का जो मान होता है वो छोटी दूरियों और बड़ी दूरियों के लिए सत्य होता है। ये नहीं है कि मान लगभग में आएगा, मान कैसा आएगा बिल्कुल क्लियर आएगा। तो छठवां पॉइंट लिखोगे वैद्युत बल का मान, वैद्युत बल का मान बड़ी दूरियों तथा छोटी दूरियों के लिए सत्य होता है, बड़ी दूरियों तथा छोटी दूरियों के लिए सत्य होता है। साथ के साथ नोट कर लो, ये सत्य होता है। ये आपके छह पॉइंट हो गए। किसके पॉइंट है ये, कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नोट कर लो। अब इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये नोट कर लो अच्छी तरीके से, उसके बाद में करते हैं स्टार्ट। हो गया, कर लो इंक डाल ले तब तक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इंग्लिश आप लिख लेना अपनी, चलो लिखते हैं।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का वेक्टर रूप। तो इसमें वेक्टर जो रूप है, जो वेक्टर राशि, जो वेक्टर यानी सदिश राशियां हैं, उनकी स्टडी हमने आपको 11th में कराई थी। आप पढ़ चुके हो 11th में, आपको हमने एक 11th में बताया था एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर एन कैप से या आर कैप से पेश कर देते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन आर। एकांक वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक होता है, उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। तो पहले चलो कूलम का नियम, कूलम के नियम का वेक्टर रूप कैसे निकालेंगे। दो आवेश हैं यहाँ पर, ये आवेश धन का भी हो सकता है, आवेश ऋण का भी हो सकता है। ये प्लस क्यू वन आवेश है, ये आपका प्लस क्यू टू आवेश है, ये बिंदु है आपका ए, ये बिंदु है आपका बी। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं आर। ये वाला आवेश जब इस पे बल लगाएगा तो बल का की दिशा किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। ये F21 का मतलब ये है Q2 आवेश पर लगने वाला बल Q1 आवेश के कारण। जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। ये F12 का मतलब ये होता है कि Q1 आवेश पर लगने वाला बल Q2 आवेश के कारण, या ऐसे कर सकते हैं Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा भी होगी, क्या होगी, दिशा। तो इनकी दिशा को हम कैप से फिक्स करते हैं, आर कैप से दिखाते हैं। आर कैप का मान जो होता है वो एक होता है, लेकिन जो जिस पर कैप होता है वो कैप होता है, आर कैप होता है वो केवल दिशा के लिए होता है। किसके लिए होता है, दिशा के लिए होता है। तो यहाँ लिखेंगे R12 कैप का मतलब ये होता है Q1 आवेश की दिशा, R12 कैप का मतलब होता है इसकी दिशा Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर है। R12 कैप Q1 आवेश, ये R12 कैप है वो इस बल की दिशा बता रहा है, इस बल क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। क्योंकि F21 है Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, आवेश की दिशा Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर। जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो ये एकांक वेक्टर दिखाएगा R21 कैप। चित्र से चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर समझने के लिए, चित्र से F12 वेक्टर क्या है, Q1 आवेश पर लगने वाला बल Q2 आवेश के कारण, Q1 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण। ऐसे ही F21 वेक्टर क्या है, समझ लो F21 वेक्टर क्या है, Q2 आवेश पर लगने वाला बल Q1 आवेश के कारण, Q2 आवेश पर लगने वाला बल Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण। R12 कैप क्या है, R12 कैप यह एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर क्यों है, क्योंकि इस पर क्या लगा है, कैप का चिन्ह लगा है। एकांक वेक्टर है जिसकी दिशा Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर है, जिसकी दिशा Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर है, की ओर है। उसके बाद में R21 कैप ये भी कैप है, तो ये भी एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है जिसकी दिशा अब इसकी दिशा किधर है, Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर है, जिसकी दिशा
Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर है, Q1 आवेश की ओर है, इतना आप पहले नोट कर लो, उसके बाद में हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ये F12 वेक्टर ध्यान रखना इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल है, F21 वेक्टर क्या है इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल है, बल दोनों सदिश, ये बल जो होते हैं वो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियां हैं तो इसकी क्या होगी दिशा होगी, दिशा होगी तो इसकी जो दिशा है वो ये वाला कैप एकांक वेक्टर बताएगा और जो इसकी दिशा है वो कौन सा वेक्टर बताएगा, ये एकांक वो R21 कैप बताएगा, ये कैप बताएगा, हो गया ठीक है। देखो आगे अब कूलम का नियम होता है आपका, पहले F12 वेक्टर का मान निकालेंगे, F12 वेक्टर फॉर्मूला होता है 1/4πε0। अब इस पर जो आवेश है वो कौन सा आवेश लगा रहा है बल, ये वाला आवेश, इस पर आवेश, इस आवेश पर बल लगाएगा तो बल किधर होगा, इधर होगा, तो क्यों Q1 Q2 यहाँ Q1 का मान Q2 रख सकते हैं, Q1 के स्थान पर Q2 रख सकते हैं, बात तो एक ही है गुणा में, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन F12 वेक्टर इसके लिए कौन सा एकांक वेक्टर काम करेगा, 2 1, कौन सा करेगा यहाँ पर 2 1 स्क्वायर होता है, यहाँ लगाएंगे 2 1 कैप, इसका कोई मान एक मान होता है, यहाँ एक रखोगे तो बात तो यही रहेगी यहाँ पर, लेकिन जब 1 2 बल है तो यहाँ आएगा 2 1, क्या आएगा 2 1। आगे देखो इधर F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, यहाँ हम रख सकते हैं R21 वेक्टर बट्टे R21, कहाँ से आया ये 11th से, 11th में ये बताया था हमने R के बराबर R वेक्टर बट्टे R, R वेक्टर बट्टे R, जहाँ R R वेक्टर का क्या होता है परिमाण, क्या होता है ये परिमाण होता है, लेकिन यहाँ 2 1 है, यहाँ भी 2 1 आएगा, यहाँ भी 2 1 आएगा, यहाँ भी 2 1 आएगा, अब इसके स्थान पर क्या रखोगे R21 वेक्टर बट्टे R21, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया है R21 वेक्टर बट्टे R21। F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R21 स्क्वायर, सॉरी ये R21 पर घात 2 है, ये R21 पर घात 1 है, 2 और 1 कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 3, कितनी हो जाएंगी 3, यहाँ क्या है R21 वेक्टर, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए कर लोगे, इक्वेशन नंबर ए। उसके बाद में अब निकालेंगे F21 वेक्टर का मान, तो ठीक इसी प्रकार कर देंगे, ठीक इसी प्रकार देख लो F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे, लेकिन अब 2 1 इसके लिए कौन सा एकांक वेक्टर काम करेगा 1 2, किसका कौन सा करेगा 1 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, शुरू से कर लो पहले, चलो 2 1 है तो यहाँ का आएगा 1 2, और यहाँ आएगा स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 1 2 कैप, क्योंकि 2 1 है तो इस बल के लिए जो दिशा होगी वो इस, ये Q1 आवेश तो Q2 आवेश पर बल लगाएगा, तब ये बल F21 वेक्टर होगा, तो इसके लिए कौन सा एकांक वेक्टर काम करेगा 1 2, यहाँ आएगा 1 2, यहाँ भी आएगा 1 2। अब इसका अगर आप फॉर्मूला खोलोगे तो ये आ जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R12 स्क्वायर, यहाँ आएगा R12 वेक्टर बट्टे R12, इस हिसाब से थोड़ी ऊपर देख लो इधर, तो ये हो जाएगा आपका F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे, ये 2 घात हैं और ये 1 घात है, कितनी हो जाएंगी यहाँ पर ये 3, F12Q × ये क्या है आपका F12 वेक्टर, क्या बचेगा ये F12 वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर कर लो आप बी, इक्वेशन नंबर बी, इतना नोट करो पहले, नोट करो जल्दी,
हो गया ठीक। चलो आगे, अब नोट पॉइंट डालो, हेडिंग डालो आप एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट कराएंगे हम पहले, नोट पॉइंट में चित्र चित्र देख लो पहले, चित्र तो मिटा दिया हमने। ये प्लस के क्यू वन था, ये कौन सा था, प्लस के क्यू टू। इस पर बल कौन सा था, एफ वन टू वैक्टर था, और इस पर क्या था, एफ टू वन वैक्टर। बीच की दूरी क्या थी, आर थी। ये था आर वन टू कैप, इधर क्या था, आर टू वन कैप। तो समीकरण ए से, समीकरण ए से समझ लो, समीकरण ए क्या है, एफ वन टू वेक्टर बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टे, यहाँ टू वन के स्थान पर यहाँ लिख सकते हो, इससे रुको एक मिनट, नोट पॉइंट में हम आपको आर वन टू बराबर आर टू वन बराबर रख सकते हो आर, क्योंकि इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, आर। लेकिन वन टू और टू वन तो केवल डायरेक्शन के लिए था, किसके लिए था, डायरेक्शन के लिए था। तो यहाँ पर वो ये टू वन क्यू है, टू वन क्यू है, तो यहाँ पर ये टू वन उठा के हम क्या रख सकते हैं, आर, केवल क्या रख सकते हैं यहाँ पर आर। तो आर एफ वन टू वेक्टर बराबर वन अपॉन फोर पाई एफ साल नॉट क्यू वन क्यू टू, टू वन, टू वन के स्थान पर क्या रखोगे, आर। तो ये हो जाएगा आर क्यू, यहाँ पर ये वेक्टर है, यहाँ आर नहीं रखेंगे, ए आर टू वन वेक्टर, आर वन आर टू वन वेक्टर। ऐसे ही इसका फॉर्मूला देख लो, टू वन एफ टू वन वेक्टर बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टे, यहाँ भी क्या आएगा, वन टू के स्थान पर, वन टू के स्थान पर क्या आएगा, आर। तो ये हो जाएगा आर क्यू, यहाँ आ जाएगा आपका आर वन टू वेक्टर, आर वन टू वेक्टर। अब हम इसके बाद में आपको आगे कराते हैं, हो गया ये। एक बात बताइए, ये जो दोनों डायरेक्शन है वो एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत। ये वाला बल, ये वाला जो एकांक वेक्टर है वो इधर जा रहा है, ये वाला एकांक वेक्टर किधर काम कर रहा है, ये अगर हम इनको एक ही दिशा में करें, एक ही दिशा में करें, जैसे एक ट्रेन आ रही है, जा रही है इधर, और एक ट्रेन आ रही है इधर, अगर हम एक ही दिशा में ट्रेन करेंगे, एक ही दिशा में करेंगे, तो इस ट्रेन का मुंह अगर इधर करना है तो यहाँ क्या लगा देते हैं, माइनस। इलेवन तो बताया था इस तरीके से, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये जो ट्रेन होगी वो कितना जाएंगी, एक ही दिशा में हो जाएंगी। ऐसे ही जब ये वाला एकांक वेक्टर इधर है, ये वाला एकांक वेक्टर इधर है, अगर ये वाला एकांक वेक्टर इधर करना है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस। तो नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट, नेक्स्ट नोट पॉइंट और डालो, तो यहाँ आ जाएगा आर वन टू के बराबर आर टू वन कैप, लेकिन यहाँ क्या आएगा, माइनस, माइनस आ जाएगा। तो ये इनकी दोनों की डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी, डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, एक ही। तो आपको एफ वन टू का फॉर्मूला कैप के रूप में बताया था हमने, वन अपॉन फोर पाई एफ साइन जीरो क्यू वन क्यू टू, यहाँ क्या आया था, स्क्वायर। लेकिन वन टू है तो क्या आया था यहाँ पर, टू वन, और यहाँ था स्क्वायर, यहाँ क्या आया था, टू वन कैप, क्या था, टू वन कैप। इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, यहाँ टू वन, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो हम आर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेक्टर चिन्ह नहीं है, वेक्टर होता तो स्क्वायर नहीं होता, तो ये आर स्क्वायर। अब टू वन, ये टू वन का आप टू वन रखो, टू वन कैप, ऐसे कर लो समीकरण नंबर एक। अब एफ वन टू क्या है, एफ टू वन वैक्टर था वन अपॉन फोर पाई एफ साल नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू, टू वन है तो यहाँ क्या आएगा, वन टू, कितना आएगा, वन टू स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, वन टू कैप। इसे वन टू स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हो, आर रख सकते हो, वन अपॉन फोर पाई एफ साल नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू, ध्यान दो यार, ये वन टू कैप है, वन टू कैप के स्थान पर हम माइनस के आर टू वन कैप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं,
बराबर है, लेकिन किसका है, ये माइनस का है। तो अब इसके स्थान पर हम रख सकते हैं माइनस का आर टू वन कैप, तो ये आएगा आपका एफ टू वन वेक्टर बराबर, ये माइनस चिन्ह आगे ले लो, माइनस के वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, क्या बचेगा ये आर टू वन कैप, समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो से ये देखो आप, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टू वन कैप, आर टू वन कैप, तो ये इतना मान, ये मान और ये मान बराबर है, तो इसके स्थान पर, इसके स्थान पर हम ये वन टू कैप वेक्टर भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, वन टू वेक्टर, समीकरण एक व दो से। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से एफ टू वन वैक्टर, एफ टू वन वैक्टर बराबर, ये माइनस चिन्ह पहले से ही है, इसका मान क्या है वन टू, वन टू वैक्टर। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो दोनों बल होते हैं, पीछे पॉइंट लिखा दिया था हमने, दोनों बल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक इधर बल जाता, ये बल इधर है और ये वाला बल इधर है, दोनों एक दूसरे कैसे विपरीत, अगर हम एक ही दिशा में करेंगे तो क्या लगाएंगे यहां पर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कैसे किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो दोनों बल ये आपस में बराबर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, ये विपरीत होते हैं, दिशाएं कैसी होती हैं, इनकी विपरीत होती हैं। आपको हमने 11th में बताया था न्यूटन का वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, अगर ऊपर आप क्रिया करोगे उतनी ही नीचे प्रतिक्रिया होगी, तो ये जो न्यूटन का जो ये दोनों बल हैं वो किसका किसका नियम फॉलो कर रहे हैं, ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के जैसे ही हैं ये। तो आज का हम टॉपिक यहीं खत्म, ये आज का टॉपिक ये पूरा खत्म हो गया आपका, तो आज हम ये क्लास यहीं आपकी ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे कूलम के नियम के, ये तो गोड वगैरह ये सब कुछ हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे, थैंक यू, ये आप तैयार कर लेना अच्छी तरीक़े से।